जियो अपने लॉन्च की छठी सालगिरह मना रहा है। मुकेश अंबानी ने दिवाली तक 5G लॉन्च की घोषणा भी कर दी है। देश के करोड़ों लोग इस लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे हैं। 5G आने के बाद डेटा की खपत अगले 3 साल में दोगुना से भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इन 6 सालों में कैसे जियो ने देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जियो 6 साल का हो गया। 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ था। इन 6 सालों में जियो ने न सिर्फ भारत में डिजिटल क्रांति का शुभारंभ किया, बल्कि भारत के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यापारिक विकास के सभी आयामों में अभूतपूर्व बदलाव कर दिए। ट्राई के मुताबिक जियो के लॉन्च से पहले हर भारतीय ग्राहक 1 महीने में मात्र 154 MB डेटा इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब हर भारतीय ग्राहक हर महीने 15.8 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। वहीं जियो यूजर्स हर महीने 20 GB डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। कोरोना के समय UPI पेमेंट्स के लिए भी जियो एक रामबाण साबित हुआ। जियो के लॉन्च के वक्त UPI ट्रांजैक्शन 32.64 करोड़ का था और अगस्त 2022 में UPI ट्रांजैक्शन 10.72 लाख करोड़ है। रिलायंस जियो भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ बना हुआ है। देश में जियो के कुल 41 करोड़ 30 लाख मोबाइल यूजर हैं। 36% बाजार पर जियो काबिज है और रेवेन्यू में जियो का हिस्सा 40.3% है। जियो ने आउटगोइंग वॉइस कॉल को फ्री कर दिया, जिसकी वजह से मोबाइल के बिलों में भी भारी गिरावट आई। जियो के लॉन्च के वक्त भारत में 1 GB डेटा की कीमत करीब 250 रुपए थी, लेकिन आज 1 GB डेटा की कीमत 13 रुपए के करीब है। बीते 6 सालों में ये करीब 95% की गिरावट है। ये जियो की वो सफलता है जिसकी वजह से भारत में आज डेटा की कीमत पूरी दुनिया में सबसे कम है। पिछले 6 सालों में देश में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 19.23 करोड़ से बढ़कर करीब 80 करोड़ हो गए। इसके पीछे भी जियो की ताकत है। इसके साथ ही जियो ने किफायती दरों पर 4G जियो फोन लॉन्च किया। 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल दुनिया से जुड़ चुके हैं, जो एक और बड़ी उपलब्धि है।